आखिर कॉइन्स में इस निशान का क्या मतलब होता है और यूएसबी केबल में ये छेद क्यों होते हैं और आखिर तालों के ऊपर ऐसे छोटे से छेद क्यों दिए जाते हैं और अगर चलती ट्रेन में से आपका मोबाइल गिर जाए तो क्या करना चाहिए, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों क्या आप जानते हो कि जापान में अगर किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार है तो वो उसे प्रपोज करने के लिए अपने स्कूल यूनिफॉर्म का टॉप से सेकंड बटन देकर अपना लव कन्फेस कर सकता है, क्योंकि वो दूसरा बटन हमारे दिल के काफी करीब होता है। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि अगर आप स्टेनलेस स्टील को छूते हो तो आपके हाथों से गार्लिक और ऑनियन की आने वाली खुशबू से आपको छुटकारा मिल सकता है। यहाँ तक कि स्टेनलेस स्टील से बने हुए साबुन भी स्टोर्स में बेचे जाते हैं, जो कि सिर्फ एक स्टेनलेस स्टील से बना हुआ बार होता है जो सिर्फ हाथों पर रब करने के लिए यूज होता है। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों इस पिक्चर को देखो, आपको लगेगा कि ये किसी तरह का सूखा हुआ पेड़ है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। दरअसल ये सैंड यानी कि रेत है जो सॉलिड हो चुकी है, और ऐसा तब होता है जब बिजली डायरेक्टली रेत के ऊपर गिरती है। ये एक काफी रेयर फिनोमेनन होता है और ऐसे सैंड स्ट्रक्चर्स को फल्क्यूराइड्स कहते हैं, जिसका मतलब होता है फॉसिलाइज्ड लाइटनिंग। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर तालों के ऊपर ऐसे छेद को तो जरूर देखा होगा, लेकिन ये छेद क्यों होते हैं? तो दरअसल दोस्तों ये छेद ताले को जंग लगने से रोकते हैं, और अगर किसी कारण ताले के अंदर पानी भर जाए या फिर ताला पानी में गिर जाए तो ये छेद उस पानी को ड्रेन होने देते हैं। यही कारण है कि इन छेदों को नाली छेद कहा जाता है। इसके अलावा ये छेद ताले के अंदर पानी को जमने से भी रोकते हैं। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों इस फीमेल टाइगर ने अपने बच्चों को प्री मैच्योर डिलीवरी की वजह से खो दिया, और इसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई, जिससे उसकी हेल्थ और ज्यादा खराब हो रही थी। इसलिए उसे पिग्स के बच्चों को टाइगर के कपड़ों में कवर करके उसे दे दिया, और अब वो उन पिगलेट्स को अपने ही बच्चे समझकर उन्हें प्यार करती है, और जिसकी वजह से उसकी हेल्थ भी सुधर गई। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों इस फोटो को बुलेट स्प्लिटिंग अ ड्रॉप ऑफ वाटर इनटू टू कहते हैं, और इस फोटो को एक 56 ईयर ओल्ड डच फोटोग्राफर ने खींचा है जिनका नाम अलेक्जेंडर ऑगस्टिन्स है। ऐसे फोटोज को कैप्चर करने के लिए हाई स्पीड कैमरास को यूज किया जाता है, और इन कैमरास का शटर ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड हो जाता है जब गन से बुलेट को फायर किया जाता है, और ये पूरी प्रोसेस 28 मिलीसेकंड्स में कवर हो जाती है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों आपने लोगों को बात करते वक्त अपनी नाक को स्क्रैच करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी के मुताबिक जब भी कोई इंसान बात करते वक्त ऐसा करता है तो वो काफी नर्वस होता है और मन ही मन में ऐसा सोचता है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों इस मछली को मर्सकीपर फिश कहते हैं, और आपको विश्वास नहीं होगा कि ये मछली जमीन पर चलने के साथ साथ पत्थर और पेड़ों के ऊपर भी चढ़ सकती है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों इस पत्थर का नाम कुमा कीवी है, और इसका वजन 5 लाख किलोग्राम है, और ये फिनलैंड के जंगल में है, और ये दूसरे पत्थर के ऊपर परफेक्टली बैलेंस कर रहा है, वो भी पिछले 11,000 सालों से। अब ये कैसे हुआ या फिर ये किसने किया, ये कोई भी नहीं जानता। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों क्या आपको पता है कि हाल ही में खोजा गया ये नैनो गिरगिट है, जो कि दुनिया का सबसे छोटा जानवर माना गया है, जो कि मेडागास्कर के रेन फॉरेस्ट में पाया गया है, और इसकी लंबाई सिर्फ 22 मिलीमीटर है, यानी कि सिर्फ 0.87 इंचेस। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों इनका नाम आदित्य निगम है, और इन्होंने इंडिया का फर्स्ट 3-प्लेयर चेस का इन्वेंशन किया है, जिसे ट्रिविजार्ड चेस कहते हैं। इसमें एक ही वक्त पर 3 लोग चेस खेल सकते हैं, और इस चेस में एक प्लेयर दूसरे 2 प्लेयर्स को एक ही वक्त पर चेकमेट भी कर सकता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों इस पिक्चर में आपको कोका कोला का कैन दिख रहा होगा जो कि रेड कलर में है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर मैं इसे जूम करके दिखाऊं तो ये सिर्फ हमारा दिमाग है जो उन गैप्स को फिल कर रहा है और हमें रेड कलर दिखा रहा है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों इस इमेज में एक पॉलिश टीनेजर लड़की है जिसका नाम जेसिका है, और आप ये बात जानकर हैरान हो जाओगे कि एक बार इनकी ब्रेन सर्जरी चल रही थी और वो बेहोश थी, और जब डॉक्टर सर्जरी कर रहे थे तो ये लड़की अचानक से सर्जरी के बीच में ही उठ जाती है और डॉक्टर से पूछती है कि और बताओ सर्जरी कैसे चल रही है, और जब तक इनकी बची हुई सर्जरी खत्म नहीं हो जाती तब तक वो ऐसे ही डॉक्टर से बात करती रहती है। फैक्ट नंबर 7।
क्या आप जानते हो कि आप किसी भी जीन्स को बिना उसे पहनकर ट्राई किए बिना ये जान सकते हो कि वो जीन्स आपको फिट होगी या नहीं। अगर आपको कोई भी जीन्स का साइज चेक करना है तो आपको उसके वेस्ट लाइन को आपके गले के पास कुछ इस तरह रखना है, और अगर वो जीन्स की वेस्ट लाइन आपके गले के ऊपर फिट आ गई तो इसका मतलब वो जीन्स आपके साइज की है। और आप इस ट्रिक को उन शॉप्स में यूज कर सकते हो जहां ट्रायल रूम्स अवेलेबल नहीं होते। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों ये एक यूक्रेनियन औरत है और इनका नाम एनेस्टेशिया पोक्रेशचुक है, और ये ऐसा क्लेम करती है कि इनके गाल दुनिया में सबसे बड़े हैं, और इन्होंने लगातार 6 सालों तक अपने गालों की प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और काफी ज्यादा खर्चा भी किया है ताकि वो बाकी सब लोगों से यूनिक दिख सके। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने सुना होगा कि हमारे हाथों पर बनी लाइंस हमारा भविष्य बताती है, लेकिन असल में ये लाइंस हमारे हथेली के फोल्ड्स हैं। जब हम माँ के पेट में होते हैं तो हमारा हाथ हमेशा बंद रहता है, और 9 महीनों तक हमारे हाथ कंटिन्यूस बंद रहने की वजह से ये लाइंस बन जाते हैं, और हाथ बंद रहने के बाद भी हम अलग अलग हैंड मूवमेंट्स करते रहते हैं, और इसलिए सभी लोगों के हाथों पर जो लाइंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों ये ऑटो रोटेट का ऑप्शन तो हम सभी के स्मार्टफोन्स में होता है और कई लोग इसे हमेशा ऑन रखते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इसे हर वक्त ऑन रखा जाएगा तो एक्सेलेरोमीटर नाम का एक सेंसर है वो हमेशा एक्टिव रहेगा, और वो आपके फोन की बैटरी को बहुत ज्यादा खाएगा। अगर आपको फोन की बैटरी को बचाना है तो इस ऑप्शन को जरूरत के वक्त ही ऑन रखना। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि हर रोज लाखों की संख्या में लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, उसमें भी बहुत से लोग चलती ट्रेन में मोबाइल यूज करते हैं। और दोस्तों अगर आपका फोन कभी चलती ट्रेन से गिर जाए तो क्या करना चाहिए? तो दोस्तों अगर ऐसा कभी होता है तो घबराइए नहीं। सबसे पहले आपका फोन जहां गिरा है वहां आसपास कोई खंभा देखे या फिर लाइट बॉक्स को ढूंढे। इन दोनों के ऊपर कुछ नंबर लिखे होते हैं, आपको ये नंबर नोट कर लेना है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेशन पर पहुंच के वहां सारी इन्फॉर्मेशन दे दे, और साथ ही में जो खंभे या लाइट बॉक्स का नंबर नोट किया है वो भी दे दे। फिर वो रेलवे स्टेशन कुछ लोगों की टीम आपके साथ भेज देंगे फोन को ढूंढने के लिए, और अगर आपका फोन चोरी नहीं हुआ होगा तो वो आपको जरूर मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आपने यूएसबी केबल में ये दो छेद तो जरूर देखे होंगे, और कई लोग तो इसको सिर्फ एक डिजाइन समझते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी होते हैं। ये छेद यूएसबी डेटा ट्रांसफर या फिर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने में काम आते हैं, लेकिन अगर इसका कनेक्शन लूज होगा तो ये अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये दो छेद दिए जाते हैं। और जिसमें यूएसबी लगती है उसमें भी दो पॉइंट्स दिए जाते हैं जिसमें ये अटैच हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आप लोगों ने अक्सर सिक्कों के ऊपर ऐसे बिंदुओं को तो जरूर देखा होगा, लेकिन आखिर ये बिंदु क्यों होते हैं और इनका क्या मतलब होता है? तो दरअसल दोस्तों ये बिंदु हमें ये बताते हैं कि वो सिक्का किस देश में बनाया गया है। अगर सिक्के के ऊपर इस तरह का बिंदु है तो वो नोएडा में बनाया गया है। अगर किसी सिक्के के नीचे डायमंड है तो वो मुंबई में बनाया गया है। अगर किसी सिक्के के नीचे स्टार है तो वो हैदराबाद में बनाया गया है। और अगर किसी सिक्के के ऊपर कुछ भी नहीं है तो वो कोलकाता में बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।